विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कर्मचारी संघ के हैं। इन लोगों का आरोप है कि बीते लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनकी लंबित मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा ये लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में भी अनेकों बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। वहीं इस संबंध में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन द्वारा सातवें वेतनमान का एरियर के भुगतान में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उसके अलावा कर्मचारियों को समय मान का भी लाभ नहीं दिया जा रहा। ऐसी तमाम मुख्य मांगे हैं जिन्हें प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। इनकी जो 17 या 20 जो मांगे हैं उसमें से बहुत सी मांगे नियम के बाहर हैं। जिन मांगों में पूर्व में कभी गलती हुई है या आदेश कहीं त्रुटिपूर्ण निकले हैं, हमने इनको पहले ही दिन बोला था हम उसको सुधार देंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि बातचीत करें, ऑफिस नहीं खुलेगा तो कोई काम नहीं होगा। और हमारे शिक्षा का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, अनुसंधान का भी हो रहा है, और ये मतलब उचित माध्यम नहीं। आपके सबके सामने अनुरोध किया, ये पूरी सबसे कहा कि मैं जिसको कहोगे उसको बुलाऊंगा, सारे कागज़ दिखाऊंगा, सारे कागज़ आपको दूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक तरफ कर्मचारी संघ लगातार हड़ताल पे है, दूसरे काम को उनको हर बार अनुरोध किया, उस दिन भी किया कि बैठ के बात कर लें। इनको 2 दिन पहले भी बुलवाया गया था तो इनकी जिद थी कि पहले कंट्रोलर साहब आएँ। कंट्रोलर साहब भोपाल से आए, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो उन्होंने हमको सूचित किया कि मैं सर आने में असमर्थ हूँ। इन्होंने क्या है कि उसी दिन से सब कलम बंद हड़ताल हो, ये सब कर दिया, कैसे काम होने लगे। निराकरण हर चीज़ का है भाई, जो सही चीज़ होगी वो जरूर निराकरण होगा उसका। लेकिन जिस पहल को आप चाहते हैं वो मानने को तैयार नहीं हो, जिस पहल को वो चाहते हैं वो आप मानने को तैयार नहीं। उनकी मानने तैयार, हमने कहा जो गलत वो उनके सामने बोल रहा हूँ, जरूर करेंगे हर चीज़ उनकी, हमने अभी भी मानी। लेकिन उनसे क्या कहा, बैठ के बात करिए। आप ताला खोलोगे नहीं तो कैसे बात होगी, बताइए।